स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो है एक नई जॉब, एक नई गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड टू MPPSC यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नई रिक्रूटमेंट जारी की हुई है। और जो रिक्रूटमेंट है उसका नाम है रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर असिस्टेंट रजिस्ट्रार। जी हाँ, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए रिक्रूटमेंट जारी कर दिया है MPPSC ने। बहुत ही अच्छी जॉब है, तो चलिए देखते हैं इसकी सारी डिटेल्स। और शुरुआत करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए देखते हैं सारी डिटेल इस जॉब के बारे में। तो हमारी जो जॉब है वो आप देख सकते हैं, MPPSC रिक्रूटमेंट है 2018। पोस्ट नंबर अगर हम देखें तो जो पोस्ट का नेम है वो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 29 पोस्ट हैं, जिसमें SC ST OBC जनरल कैटेगरी एंड फीमेल कैटेगरी को मिलाकर के 29 पोस्ट इन्होंने निकाली हुई हैं। देन यहाँ पर पे स्केल देखा जाए तो 15,600 से लेकर के 39,100 तक है आपका। ग्रेड पे है आपका 6,600। ओके चलिए, इसके अलावा जॉब लोकेशन आपका मध्य प्रदेश से रहने वाला है। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, तो PG डिग्री होनी चाहिए आपके पास विथ 55% मार्क्स, ग्रेड या स्किल जो भी आपको रहा हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ओके, तो PG डिग्री एनी सब्जेक्ट आपका कोई भी स्ट्रीम रहा हो। इन्होंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं कहा कि आपके पास यही सब्जेक्ट से होना चाहिए PG, एनी डिग्री आपका चलेगा, चाहे वो BE MTech हो या फिर MBA हो या MCA हो या फिर MSc हो, MA हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा एज लिमिट तो देखें तो 21 से लेकर के 40 ईयर्स तक के इसे अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपके लिए मतलब 21 वर्ष से कम नहीं और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं। एंड एज रिलैक्सेशन रहेगा तो वो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसके अनुसार जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। अप्लाई डेट देखें तो आपको अप्लाई करना है 10th of May 2018, यानी 10 मई से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप इसे MP ऑनलाइन के पोर्टल पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं या फिर www.mppsc.gov.in के पर जाकर के भी यहां से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना होगा आपको। लास्ट डेट फॉर अप्लाई अगर देखा जाए तो लास्ट डेट है आपकी इसकी 9 जून 2018। ठीक है, तो लास्ट डेट है आपके लिए 9 जून तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपके पास ऑल ओवर 1 मंथ है। ओके चलिए, एप्लीकेशन फ़ीस देखी जाए तो जो जनरल कैटेगरी रहेगी उसके लिए यहाँ पर 1200 रुपीज़ पे करना होगा। और जो OBC हैं, जो नॉन क्रिमिनलर श्रेणी में आते हैं, और SC ST के लिए सिर्फ 600 रुपीज़ पे करना होगा, यानी कि हाफ फीस यहाँ पर पे करनी होगी आपको। एग्जामिनेशन डेट देखें तो आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो है 15th of July 2018, यानी कि 15 जुलाई 2017 को इसका एग्ज़ाम रखा गया है। और इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो आपके जून महीने में ही आ जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस देखा जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटर्न एंड इंटरव्यू दोनों ही होंगे। पहले आपका रिटर्न होगा, देन उसके बाद एक लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें आपका अगर नाम होता है इंटरव्यू के लिए तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, देन उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, इसके अलावा मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप विजिट कर सकते www.mppsc.gov.in। ओके, और इसके अलावा मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत कुल सचिव के पद हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख लीजिए। कुल सहायक कुल सचिव है उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत, जो कि कुल रिक्तियाँ हैं अनरिजर्व के लिए 15 है, SC के लिए 5, ST के लिए 6, OBC के लिए 3 है। और महिला हैं जो मध्य प्रदेश की मूल निवासी, उनके लिए हैं 5 अनरिजर्व, SC के लिए 2, ST के लिए 2 और OBC के लिए 1। और जो मूल जो निवासी मध्य प्रदेश के जो निःशक्त जन हैं उनके लिए है OH 2 VH 0 एंड 0। कुल मिला के 29 पोस्ट हैं। और जो वेतमान है वो है आपका 15,600 से 39,000, और ग्रेड है 6,600 रुपये। विभाग का नाम है उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन। और जो श्रेणी होगी वो रहेगी राजपत्रित द्वितीय श्रेणी अधिकारी की एक पोस्ट है। पद जो है वो आपको स्थायी यानी दिया जाएगा। और जो वेतन रहेगा वो 15,600 से लेकर 39,000 से होगा, और ग्रेड भी दिया जाएगा। राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भी दिए होंगे। और जो काम है वो आपका प्रशासनिक कार्य होगा। इसके अलावा किसी भी अंतर्राज्य विश्वविद्यालय से 55% अंकों, ग्रेड या स्किल के साथ स्नातकोत्तर उपाधि आपके लिए मांगी गई है। ठीक है, तो आप के लिए ये इंफॉर्मेशन थी अबाउट MPPSC की एक नई जॉब जो निकली हुई है। ठीक है, और इसमें ऑनलाइन परीक्षा तिथि है 15 जुलाई, और यहाँ पर 2 पेपर होने वाले हैं आपके, सामान्य अध्ययन का और शिक्षा एवं प्रशासन का, जो कि आपका प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक रहेगा। और जो दूसरा पेपर रहेगा वो रहेगा 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक, यानी कि जो दोनों पेपर हैं उनकी जो लिमिट है वो है 2 आवर्स की। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर आपका 2 घंटे का होगा और सेकेंड पेपर भी 2 घंटे का होगा। और आपकी जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन पैटर्न में होगा 15 जुलाई 2018 को। ठीक है, तो
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।